जय श्याराम परम प्रिय मेरे भाई बहन, संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन व्रत 22 सितंबर 2023 को प्राप्त हो रहा है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को संतान सप्तमी का व्रत वो सभी माताएं बहने श्रद्धा और विश्वास पूर्वक करते हैं जिनको प्रभु ने आल औलाद दिया है, मतलब संतान पुत्र अथवा पुत्री अथवा दोनों प्रदान किया है। उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए, सर्वांगीण कल्याण के लिए व्रत का पालन करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अथवा बीमारी के कारण अथवा संयोग से किसी बहन को, देवी को, माता को अभी तक जो है ये सुख नहीं मिला है, कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, तो अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए ये भी व्रत निष्ठापूर्वक किया जाता है। वो सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि इस व्रत को अवश्य करें जिनको संतान की अभिलाषा है, निश्चित प्रभु पूर्ण करेंगे। इस व्रत की विधि वही है जैसे हम एकादशी व्रत का पालन करते हैं। दिन पहले से ही लहसुन प्याज बैगन और इत्यादि जो भी खाना नहीं चाहिए उन सब पदार्थों का त्याग करते हुए प्रातः काल उठना चाहिए, मतलब 22 को प्रातः काल उठना चाहिए। अथवा भैया आज के वातावरण में जब भी उठो तो आसपास कोई नदी हो, तीर्थ हो, तालाब हो, वहां जाके स्नान इत्यादि करना चाहिए अथवा घर में ही स्नान कीजिए। लेकिन जो शैम्पू है, नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितनी पवित्रता से रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मध्यान्ह काल में परंपरा में व्यवस्था है पूजा करने की। इसमें जो पूजा किया जाता है हरिहरात्मक पूजा होता है। हरि मतलब भगवान नारायण, विष्णु, राम, कृष्ण, वामन, दत्तात्रेय, जो भी रूप में आपकी निष्ठा हो, यहाँ तक नरसिंह नारायण अथवा बालाजी महाराज, और हर में भगवान शिव जी, मैया पार्वती जी के साथ में। तो आप पीछे साइड में कलश रखते हैं और आगे पहले आपके, मतलब आप सामने से राइट में गणेश जी, फिर गौरी मैया, फिर आपके सामने शिव पार्वती और बगल में जो है श्रीमन नारायण भगवान को बैठाया जाता है। अथवा आप नारायण जी के ज्यादा भक्त हैं तो बीचों बीच में भी उनको बैठा सकते हैं, शिव जी और भी प्रसन्न होंगे। इन सब का आवाहन किया जाता है, पूजन किया जाता है। इसके बाद में संतान सप्तमी के व्रत का जो कथा है वो श्रवण करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, कथा अति प्राचीन समय की है और युधिष्ठिर जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने संतान सप्तमी की व्रत कथा सुनाई थी। श्री कृष्ण जी ने कहा, युधिष्ठिर जी, जब कंस के अत्याचार के कारण, कंस मतलब मेरे ही जो पूर्व की हमारे पिताजी के संतान थे, कह सकते हैं मेरे भाई थे, उन सब का वध कर रहा था। माता पिता मेरे बहुत ही परेशान हो गए थे, विचलित से हो जाते थे। उसी मध्य में जो है एक समय उनको लोमस ऋषि जी का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ। उनसे अपनी विपत्ति बताई कि ये तो मुझे कारागार में रखता है और उसके बाद में जैसे ही पेट में संतान आता है कारागार में डाल देता है, तो ऐसे तो कोई संतान हमारा बचेगा ही नहीं, आप ऋषिवर कोई उपाय बताएं। तो जो है उस स्थिति में लोमस ऋषि जी ने वासुदेव जी को समझाया था कि संतान सप्तमी के व्रत का पालन कीजिए, निश्चित ही आपके संतानों की रक्षा होगी, अतिशीघ्र प्राप्ति होगी। हमारे माता पिताजी ने निर्जला रह करके ऐसा उपासना किया और बाद में फिर हम आपके सामने यहाँ पर प्रमाण के रूप में उपस्थित हैं। लेकिन ये कथा उसके पहले की है। तो पहले की कथा क्या है कि अति प्राचीन समय में अयोध्या नगरी, जो मेरी सबसे प्रिय है, वहां के राजा महाराज नहुष जी थे और उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनकी एक सहेली थी महारानी की, जिसका नाम रूपवती थी, वो ब्राह्मण पत्नी थी। दोनों सरयू जी स्नान करने जाते हैं। संयोग से संतान सप्तमी का दिन रहा और देखते हैं कि तमाम स्त्रियां जो है समूह में, झुंड में बैठ करके संतान सप्तमी का व्रत पूजन सरयू मैया के नदी किनारे स्नान के पश्चात कर रही हैं। उनकी उत्सुकता हुई, उन दोनों ने पूछा और तब उन देवियों ने बताया कि देवी, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं, उनसे विधि विधान जान करके, मन में विचार करके, और वचन से भी दोनों ने कहा कि चलो भैया, हम भी संतान सप्तमी का व्रत करेंगे। मन में विचार किया, लेकिन अगला वर्ष भाद्रपद की सप्तमी आने के पहले दोनों की क्रमशः मृत्यु हो गई और वो जो है व्रत करना उनसे चूक गया, व्रत नहीं कर पाए और ऐसे ही जय सियाराम हो गई। उसके पश्चात कई योनियों में जन्म लिया और उस चूंकि पुण्यात्मा तो थी, सरयू जी में एक बार स्नान कर ले तो करोड़ों करोड़ों जो है पाप नष्ट हो जाता है। फिर जब वो मनुष्य योनि में आई तो पुनः जो है जो महारानी थी वो महारानी बनी और
ब्राह्मण की पत्नी थी, देवी थी, वो ब्राह्मण जो है कुल में जन्म लिया, वो भी ब्राह्मण पत्नी बनी। और यहां भी इन दोनों का मित्रता थी, इसलिए ये हमारा आपका जो व्यवहार है, कई बार देखते हैं कि कोई जो है हमारे घर में ऐसा जन्म ले लेता है जो पूरे परिवार को परेशान करता है, तो कहीं ना कहीं वो अगले जन्म का शत्रु होता है। कभी ना कभी कोई नौकर भी आपको ऐसा मिल जाता है जो पूरे परिवार का उत्थान करके आप परिवार के लिए सबसे मुखिया वाला काम करता है। तो किसी ना किसी जन्म का हमारा परम मित्र था, जिसके लिए हमने सब कुछ न्योछावर कर दिया था, आज वो हमारे यहाँ इस रूप में आकर के हमारा कल्याण कर रहा है। तो आपके पुण्य ही आपके काम में आते हैं। तो यहाँ दोनों सहेलियां फिर बन गई और संयोग से जो है जो ब्राह्मण की पत्नी थी उसको जो है व्रत का पूरा ध्यान था, लेकिन जो राजा की पत्नी थी उनको व्रत का ध्यान नहीं था। तो इसने व्रत किया और उसके प्रभाव से 8 संतानों की प्राप्ति हुई, महारानी को नहीं हुई। और बाद में जो है बहुत सारा प्रयत्न किया जो है कि उनका जो ब्राह्मण के पुत्र है उनका जय जय सियाराम हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में उनको बड़ी गलानी हुई, ब्राह्मण से पत्नी से जो उनकी सहेली थी उनको बताया कि हमसे इतना बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा मांगा और प्रभु की कृपा से दोनों ने एक साथ में मिलके व्रत किया और संतान जो जय जय सियाराम हो गए वो भी सब जीवित हो गए। और फिर कालांतर में महारानी को भी संतान की प्राप्ति हुई। जो भी श्रद्धा निष्ठा और विश्वास पूर्वक जो है व्रत करता है तो उसका जो है मन वांछित कामना अवश्य पूर्ण होती है। अब इसमें जैसे पूजा की विधि है, अब ये हर जगह में थोड़ी थोड़ी अलग अलग परंपरा रहती है। कई लोग जो है 7 प्रकार का 7 जगह जो है अनाज रखते हैं, 7 प्रकार की चीजें रखते हैं, लेकिन कई जगह ये भी है कि लोग जो है मालपुआ खीर इत्यादि भगवान को, चूंकि इनको शिव जी को मालपुआ बहुत ही पसंद है, आप ये श्रावण मास का महात्मा देखेंगे अथवा पुरुषोत्तम मास का महात्मा देखेंगे, उसमें मालपुआ अर्पण करने का और मालपुआ दान करने का बहुत ही बड़ी परंपरा है। तो उसी में जो है यहाँ पर भी है कि जो है मालपुआ का भोग लगाना चाहिए, अपने आचार पुरोहित को बुला के उनको दान देना चाहिए, कम से कम 7 तो होना ही चाहिए। ये 7 की महिमा अलग है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके बाद में इसी मिष्ठान से अगले दिन हमें पारण करना चाहिए। मिष्ठान बोले तो मालपुआ जो आपने भगवान को भोग लगाया था, हाँ बीमारी है परेशानी तो थोड़ा सा ले लीजिए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, अथवा मान लिया मालपुआ नहीं बना तो घर में कुछ बना लीजिए जो स्वयं निर्मित होता है, सबसे अच्छा होता है। बाजारू चीजों से इस प्रकार की मिठाई इत्यादि लेने से बचना चाहिए। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। और राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, राधा मैया जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी भी सेवा करने का मैं अगले वीडियो में प्रयत्न करूंगा। जय सियाराम। जो लोग गणेश जी की उपासना कर चुके हैं तो अभी भी 11 दिन तक 5 दिन तक कर रहे हैं, उन सभी को गणपति बप्पा मोरिया, सभी के ऊपर गणेश जी की कृपा बरसे। जय सियाराम।